What's up guys, this is Prashant Pawar और आज हम बनाने वाले हैं चटपटी चाउमीन। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया और तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें जिंजर डालेंगे और जिंजर के साथ हम गार्लिक डालेंगे, जिससे इसमें टेस्ट का फ्लेवर आ जाएगा, तो मज़ा ही आ जाएगा चटपटी चाउमीन खाने में। तो जब तक ये ब्राउन कलर की होती है तब तक हम इसको स्टिर पे स्टिर करते रहेंगे, जिससे ये अच्छा खुशबू दे। तो करते रहेंगे स्टिर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज डाल दिया हमने जिससे इसमें टेस्ट आ जाए, हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज आप पहले भी डाल सकते हैं, पर हमने इसमें पहले जिंजर और गार्लिक डाल दिया। अब हमने इसमें कैबेज डाल दिया है और शिमला मिर्च डाल दी है, जिससे ये थोड़ा सा टेस्टी लगे खाने में। हमने इसमें कैबेज जितने भी हमने काटे थे उसमें डाल दिया है, उसको स्टिर करते रहेंगे। उसमें हमने नमक डाल दिया है, स्टिर कर देंगे एक दो मिनट तक, स्टिर कर देंगे इसको, जिससे ये चाउमीन में जो फ्लेवर थोड़ा अच्छा है। अब हमने इसमें थोड़ा तेल डाल दिया है, क्योंकि हमने पहले बहुत कम तेल डाला था, यूज़ किया था। अब ज़्यादा हमने इसमें सब्जियाँ डाल दी हैं, तो थोड़ा तेल और डाल दिया हमने, उसको स्टिर करते रहेंगे। अब हमने इसमें अजीनोमोटो डाल दिया, जो टेस्टिंग एजेंट है। अब इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्च इसमें डाल दी है, और थोड़ा और मिर्च और काली मिर्च डाल दी है हमने इसमें, जिससे इसका चटपटी इतना ज़्यादा स्वाद आ जाए कि मज़ा ही आ जाए खाने में। और लोग कहें कि मज़ा ही आ गया, उंगली चाट चाट जाए। अब हम यूज़ कर थोड़ा सा चाउमीन, मजा आ जाएगा चाउमीन डाल के। ये नमक शमक चाउमीन के साथ सारा मिला दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारी मिर्च, जो हमने पेस्ट बनाया है, हम इसका पेस्ट बनाते हैं, फिर इसमें डालते हैं। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, सोया सॉस जिससे चाउमीन का कलर आए, तभी तो चाउमीन का लुक ज़्यादा ही अच्छा बना देंगे। अब हम इसमें सॉस डालेंगे, मज़ा ही आ जाएगा सॉस डाल के, मुँह में ही पानी आ रहा है। अब हम इसमें विनेगर थोड़ा खट्टा बन तो चाहिए चाउमीन के साथ, तो इसमें डालेंगे थोड़ा विनेगर। अब हम इसमें मिस्टेक करते रहेंगे जिससे इससे पूरा कलर मिट जाए, जितना भी हमने मसाला डाले वो भूल जाए एक साथ, मज़ा ही आ जाएगा खाने में, मज़ा ही पूछो मत। करते रहेंगे थोड़ी देर तक इसको करते एक मिनट कम से कम इसको स्टिर करें। अब गैस हमने लो फ्लेम में कर दिया है, बन चुकी है चाउमीन हमारी। अब हमने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया है, धनिया डाल दिया।